हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर ड्रीम्स विद यूवी। आज हमारा है नौवा दिन और हम लोग हैं सोची में हम लोग हैं मैरियट होटल के अंदर और ये देख रहे हैं मेरी बालकनी से व्यू जो मैंने आपको रात को भी दिखाया था। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस अपने पहले वाले अपार्टमेंट पे, वहाँ पे गाड़ी देंगे, अपना पैकिंग शैकिंग करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे वहाँ से कहीं और, देखते हैं अनप्लान ट्रिप है, कहाँ जाते हैं आगे। तो युवराज भाई अब टनल में जा रहे हैं। अभी टनल बहुत है यहाँ पे, 4-5 टनल बने हुए हैं, तो उसके अंदर जा रहे हैं। अभी हम लोग रुजा खतौर से आडलर जा रहे हैं। बारिश हो रही है और थोड़ा बारिश में भीग चुके हैं भाई, कल सर्दी में थे आज बारिश में। देखो आप, ये ड्राइव करके आया हूँ मैं अभी, लेकिन मज़ा आया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स। तो बस ऐसी बने रहिए हमारे साथ, स्नोफॉल दिखाया, अब बारिश दिखा रहे हैं आपको। ये होटल में आ चुके हैं अपने, और क्या क्या दिखाएं यार, दिखाते दिखाते थक गए हैं हम लोग हर चीज़ आपको। सेंट पीटर्सबर्ग का प्लान हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है, रीज़न कि टिकट्स बहुत महंगी आ रही है अनप्लान ट्रिप के अकॉर्डिंग, क्योंकि मौसम ख़राब है। तो हम लोगों ने सोचा कि ड्रॉप करते हैं एक दिन के लिए, सेंट पीटर्सबर्ग बर्थ नहीं जाना। प्लान पहले से हमने किया नहीं था, अनप्लान वे में चल रहे हैं, इसीलिए आपको हम बुलेट ट्रेन और सेंट पीटर्सबर्ग नहीं दिखा पाएंगे, यही प्लान है। तो गाइस, बहुत थक गया मेरा युवराज, चलता चलता बहुत टायर्ड हो गया है, और मैं फिर भी कह रहा हूँ भैया, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। देखिए लाइट भी चल गई। अब उन बोला तू मेरी लैला, हर वो बोलती फेंकता साला, अब उन जब भी सच्ची बोलता, उसको झूठ का ही लगता रे। अब हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये है इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसको चलाएंगे, इससे हम जाएंगे ओलंपिक पार्क। फाइनली गाइस, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि ऑनलाइन वूज एक एप्लीकेशन है, उससे लिया जाता है और मैं इसको चलाने जा रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग भी करिएगा। मज़ा आ गया, यस, बहुत बढ़िया है, राइड करने में इतना मज़ा आ रहा है, इसे तो मैं इंडिया में भी लूँगा, पक्की बात रही। तो ऐसी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छे बनाना और बैलेंस करने में बड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियोज फॉर यू। एक हाथ से देखिए कर भी रहा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, है ना, रिस्क, टोटली रिस्क। ब्यूटीफुल जगह है ये, यहाँ पे लोग जॉगिंग करने आते हैं सुबह सुबह या इवनिंग में। बिल्कुल देखिए आप, हमारे पीछे है एक तरीके का जॉगिंग ट्रैक और बिल्कुल ब्लैक सी के किनारे पे हम लोग हैं इस समय, और जा रहे हैं हम लोग ब्लैक सी के पास पहाड़ों पे, आज हैं हम समुद्र के किनारे। देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है ऐसे मुंबई के बीचेस में आ चुके हो। दिस इज़ अ ब्लैक सी जो आप देख रहे हैं इस समय मेरे सामने है, और मैं आपको इसके और पास ले जाऊँगा। जैसे मुंबई में है मरीन ड्राइव की तरह ये जगह है, वो पानी मेरे पास तक यहाँ तक आ रहा है, लहरें बहुत तेज़ होती जा रही हैं, है ना, गजब जगह। हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय मैं आ गया हूँ बीच के किनारे, और यहाँ पे सब लोग घूम रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। ये पीछे इनके घर हैं सबके, देखिए आप कितना अच्छा जॉगिंग ट्रैक है यहाँ पे, और हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, उसकी वीडियो भी आपने देखी होगी। और यहाँ किनारे पे आते हैं लोग मरीन ड्राइव की तरह मुंबई में, बीच के किनारे, तो यहाँ हर चीज़ मिल रही है, सोची मैं, बीच भी है गोवा की तरह, हिमाचल की तरह, उत्तराखंड की तरह, स्नो भी है, तो हर चीज़ आपको मिलेगी, सोची आइए, कैसीनोज भी है यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, हैपनिंग प्लेस है,
ओलंपिक पार्क है यहाँ, बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए भी हैं, तो मज़े करेंगे आप। ठीक है, बाय बाय। क्या लोग टहल रहे हैं देखिए, बच्चों के साथ। यस हेलो, मैं आ चुका हूँ इस समय सोची की फेमस स्पॉट पे, सोची की सबसे बढ़िया जगह ओलंपिक पार्क। यहाँ पे ओलंपिक गेम्स हुए थे 2014 में और रशिया ने ओलंपिक होस्ट किया था। तो देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़े एरिया में है। मैं तो स्कूटर से घूम रहा हूँ अभी यहाँ पे पूरे एरिया में। रात के टाइम पे यहाँ अच्छी लाइटिंग होती है, मेरे पीछे देख रहे हैं आप, पूरा लाइट पे अच्छा लगता है काफ़ी। आज नहीं हो रहा है, और पीछे यहाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप के मैच हुए थे, लोग भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ये है यहाँ की अच्छाई जो हम सब देख रहे हैं, और बहुत अच्छा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। मैं इसको पूरे व्यू बनाता हूँ उस पार्क का, अच्छे से आपको दिखाऊंगा इसमें कैसे है ये पार्क। देख रहे हैं मेरे पीछे लाइटिंग्स काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। यहाँ स्पेशली लोग सोची आते हैं तो इस पार्क में ज़रूर घूमते हैं। तो जब भी आप सोची आएँ तो इस पार्क के अंदर ज़रूर विज़िट करें। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस पार्क एट सोची। ओलंपिक विलेज पार्क में हूँ मैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी है, जगह जगह मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग है। पीछे की तरफ देखिए आप कितनी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पे, और उसके पीछे भी देखिए आप वहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग की गई है। और रुकने के लिए यहाँ पे आई थिंक उस समय अपार्टमेंट्स और हर चीज़ बनाई गई थी। बहुत बढ़िया है, ये बेहतरीन है यार, गज़ब है गज़ब। ये है यहाँ का भुट्टा। तो ये भुट्टा है यहाँ का स्पेशल, इंडिया की तरह मसालेदार नहीं है लेकिन। ये देखिए, ये स्कूटर हमने यहाँ पार्क कर दिया, यहाँ की पार्किंग है स्कूटर की। तो इस तरीके से पार्क कर दीजिए, स्कैन करिए, पेमेंट कर दीजिए। इसकी ऐप है वूज़ ऐप, उसके जरिए आप पे कर सकते हैं, बहुत इजी है। बहुत मज़ा आया, 10-12 किलोमीटर घूम के आए हम, इससे पूरा कवर कर लिया हमने। ओलंपिक विलेज पार्क पूरा इसी से घूमा, और सब लोग यही चला रहे थे यहाँ पे। क्या लेके आना, देखो चीज़ मतलब राइस, चीज़ नहीं रीस, रीस लेके आना हमें। दोनों भाई जा रहे हैं आज राशन लेने, क्योंकि दाल चावल खाने का मन कर रहा है अमित का, और हम लोग खुद ही जा रहे हैं आज, ट्राई करते हैं कि कैसे। चावल को कहते हैं रीस और दाल को कहते हैं चुचू बिच्चा। दाल को चुचू बिच्चा, चुचू चुचू बिच्चा, गिदिये रीस, चुचू बिच्चा। गिदिये मीन्स वेयर, कहाँ है, तो गिदिये रीस मतलब कहाँ है राइस। हम लोग शॉप पे जाके बोलेंगे। ये शॉप है, इसमें एंट्री कर रहे हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं यहाँ की शॉप्स कैसी होती हैं। गिदिये रीस चुचुविच्चा, तो हम ढूंढते हैं गिदिये रीस चुचुविच्चा विलास। अब मैं पूछता हूँ दराज दराज से, गिदिये रीस चुचुविच्चा, चुचुविच्चा गिदिये। चलो देखते हैं भाई, ढूंढते हैं, बिकॉज वी डोंट नो रशियन। गिदिये रीस, ये है यहाँ का मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का। तो दिस इज द मार्केट, कुछ दिखा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ से लेते हैं कुछ ना कुछ। गिदिये रीस, प्लीज हेल्प मी, देबुस्का इज हेल्पिंग मी। देबुस्का यहाँ बोलते हैं लड़की को, अगर कोई भी हो तो उसे देबुस्का बोलते हैं। शी इज हेल्पिंग मी। सो ये हमने ले लिए राइस फाइनली, और देबुस्का हमारी हेल्प कर रही है हमारे को राइस लेने में। शी इज हेल्पिंग मी। चिचुविच्का नियत, ओह
कौन से, अरे ये बोल रहे हैं कि चिचू इसका नहीं है यहाँ पे। ये सब ले लिया हमने, दिस इज रीज राइस, राइस लिए हमने यहाँ पे। ये लिए हैं हम लोगों ने अनियन, राजमा, राजमा यहाँ पे ये होते हैं लिक्विड के साथ, सेब, खीरा, टमाटर, नींबू। अब देखते हैं कुछ और भी ट्राई करते हैं। ये सब सामान तो हमने ले लिया, दिखाया आपको टमाटर, खीरा, अदरक, राइस, वोडका या बियर। यहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको दिखा दिया है मैंने, कितना बेहतरीन है, मज़ेदार है, शानदार है। ये यहाँ का बियर सेक्शन है जहाँ पे बियर्स दिखेंगे आपको सब। ये सब यहाँ पे जितनी भी वोडका और वो सब है वो दिखेंगे, बियर। और ये बिल बन रहा है हमारा। कैसा लगा आपको शॉपिंग करके यहाँ भाई? अंग्रेजी को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते नहीं देखा जो बावड़े का मूट बढ़ गया हो भाई। हमने शॉपिंग कर ली है कैसे भी करके, पता नहीं कैसे की है, लेकिन सामान ले लिया है यहाँ पे। और अब ये बिल करवा रहा है हमें, वो बिल बन रहा है, तो वो बिल बनने दो। ले लिया भाई, 2118 रुपये का बिल आया है, तो हमने पे कर दिया है। और ये शॉपिंग कर ली हम लोगों ने रशिया में, बड़ी हिम्मत के साथ शॉपिंग की है। तो गाइस फाइनली हम निकल गए हैं मॉस्को के लिए और जा रहे हैं, और पहले हम RT-PCR कराएंगे। RT-PCR के चार्जेस हैं 3000 रुपीज़। तो मौसम आज औसम है, देखिए धूप निकली हुई है। मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा जब भी आप आएँ इस दिसंबर जनवरी में ही आएँ। पर्सनली मुझे मौसम पसंद आया, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, यही तो कहते हैं अल्टीमेट वेदर। टैक्सी आ गई हमारी, टैक्सी, और इस टैक्सी से हम जाने वाले हैं। चलो आओ बैठो। हाँ यहाँ पे आपका जो स्कैन करना पड़ता है, आपके ऑप्शन होता है ना जो स्कैनिंग का, फ़ोन के अंदर वहाँ से स्कैन करिएगा, एक एप्लीकेशन खुल जाएगी, एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ्लाइट नंबर एंड ऑल, वो फिल करने के बाद इनको दिखाइए और फिर ये हमारी टेस्ट करेंगे और 3 से 4 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। है बढ़िया तरीका, चलो भाई करा ही लेते हैं आप। इसलिए मैं अभी फ़ोन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ये फॉलो करना है और मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ ये टेस्ट कैसे करते हैं यहाँ के लोग। बहुत हेल्प की भाई ने। चलिए RT-PCR हो गई, एक काम और रह गया हम लोगों का, रजिस्ट्रेशन वाला। अगर आप जब भी आते हैं रशिया तो एक स्लिप देते हैं इमिग्रेशन में आपको, तो उस स्लिप पे होटल से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है या फिर जहां अपार्टमेंट में रहते हैं वहां से। तो अभी हम जा रहे हैं और वहां पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ हमें यहां से उड़ने नहीं दिया जाएगा फ्लाइट से। जी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो डॉक्यूमेंट। गाइस यहाँ पे जगह जगह देखा होगा आपने, ये ओलंपिक के साइन है और मेरे पीछे ही ये ओलंपिक विलेज है पूरा, और ओलंपिक पार्क भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर जितने भी विंटर ओलंपिक जो हुआ था सोची में, तो लोग यहीं पे रहे थे इन मकानों के अंदर जो देख रहे हैं आप पीछे, खिलाड़ी जो यहाँ के जितने भी ओलंपिक के खिलाड़ी थे जितने भी कंट्रीज़ के, उन लोगों के लिए ये सुविधा दी गई थी, यहीं पर वो लोग रुके थे, यहीं रहे थे, फिर बाद में इनको सेल कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बना रखा है, नीट एंड क्लीन, कोई क्राइम नहीं, सब बढ़िया है। फाइनली रजिस्ट्रेशन मिल गया हम लोगों को, इस तरीके से मिलता है ये रजिस्ट्रेशन, ये देखिए आप, ये आपको कैरी करना पड़ता है वहाँ एयरपोर्ट में, दिखाना होता है जाते टाइम। तो ये जो जिस होटल में भी आप रुक रहे हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, एक हफ्ते तक के लिए ज़रूरत नहीं होती, एक हफ्ते से ज़्यादा अगर आप आए हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। टैक्सी हो गई हमारी 442 रुपये की, इन्हें भी देने हैं। एयरपोर्ट में चलते जा रहे हैं और देखो आपको पूरा एयरपोर्ट दिखा रहे हैं यहाँ का सोची का, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, छोटा सा है बट अच्छा खासा है। हेलो हाउ आर यू, ब्लॉगर्स को हर कोई लाइक करता है, स्पेशली इंडियंस को।
ये काउंटर्स हैं 34, 35, 36, ऐसे हमें 6 और 7 पे जाना है। बोर्डिंग टाइम हमारा हो चुका है स्टार्ट, 4:50 पे हो गया है बोर्डिंग पास पे, तो लिखा था 5 बजे स्टार्ट होगा। जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, यकूटिया से लग रहा है काफ़ी लोग आ रहे हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट होगी है मॉस्को के लिए, यकूटिया जा नहीं पाए, यकूटिया जाना था हम लोगों को, लेकिन उसकी फ़्लाइट में जरूर बैठ रहे हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट टाइम आपको यकूटिया भी दिखाएंगे, डोंट वरी। दोनों भेज दिए भाई। एक अच्छी न्यूज़ ये है कि हम दोनों की नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है कोविड की, बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ से तो इजीली जाने वाले हैं हम, अब इंडिया में टेस्ट होगा, वहाँ देखते हैं वहाँ क्या होता है। चलिए भाई बैठ गए हम लोग सोची से मॉस्को वाली फ़्लाइट पे भी, अमित को मिल गई है खिड़की वाली सीट लकीली। फाइनली हम लोग पहुंच गए मॉस्को भाई साहब, -18 बस से जाना पड़ेगा, -18 बस। तो यहाँ की भी लोकल वैसे बढ़ जाती है जैसे हमारे इंडिया में फुल हो जाती है, देखिए एकदम फुल है। पहुँच गए हैं हम लोगों ने बैग ले लिया है, अमित बैग लेके आया था अपने साथ, उसने बैग ले लिया है। अब यहाँ पे मॉस्को में है -15 डिग्री टेम्परेचर। चलो जी जैकेट पहन लिया हम लोगों ने, बैग भी लटका ले यार। चलो ब्लॉगर तो बन गए हम लोग, अच्छे वाले बेहतरीन वाले ब्लॉगर्स हैं हम लोग। एक ने रेड पहनी है और एक ने वाइट, रेड एंड वाइट हो गए। भैया बहुत ठंड है, -15 डिग्री, हो बाहर निकलती हालत ख़राब हो चुकी है, और टैक्सी का वेट कर रहे हैं हम लोग। फाइनली हम लोगों को टैक्सी मिल गई है, और टैक्सी मिली है 1600 रूबल में। अभी रास्ता है यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं बालचुक का 45 मिनट का। इमरान भाई भी वहीं आ रहे हैं, हमारा वेट करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है और यार इन्जॉय, और ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी तक की सबसे मैक्सिमम ठंड है, -15 है, -20 तक जाएगा आज टेम्परेचर, और फील लाइक -25, बहुत ज़्यादा ठंड। भाई लोगों पहुंच चुके हैं हम लोग बालचुक, इमरान भाई के रेस्टोरेंट के सामने। बहुत ठंड है, बोला भी नहीं जा रहा, देखिए यार क्या नज़ारा है, और ऊपर देखिए बादल कैसे चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, अलग ही नज़ारा है, ये बहुत डिफरेंट नज़ारा, ऊपर बादल ही बादल चल रहे हैं। ओहो क्या अलग ही व्यू है, और साइड में जो रिवर बहती है वो जम चुकी है। तो फाइनली अभी मैं कुछ दोस्तों से मिल रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया मज़ा आया इन लोगों से मिल के। मतलब इंडियंस मिल जाए ना कहीं पे भी तो आप खुश हो जाते हैं। सबसे पहले हम इंडियन में मिलाएंगे आपको रोहन से, ये मेरा दोस्त है रोहन, इससे मिलके बड़ी खुशी हुई। फिर मैं लाइव नहीं हुई, मैं यूट्यूब ब्लॉग बनाता हूँ, तो तुम आ रहे हो उसमें। तो ये एक रोहन है, 7 साल से है यहाँ पे मॉस्को में, और अभी मिला है हम लोगों को इमरान भाई के रेस्टोरेंट में। तो ये बहुत बढ़िया बंदा मिला। कभी भी किसी चीज़ को आपको अगर लगे कि आपको PR चाहिए या फिर यहाँ पे वर्क वीज़ा चाहिए, तो इनसे कॉन्टेक्ट करिएगा, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो आपको गाइड करेंगे। और वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, PR, रशियन सिटीज़न, किसी भी वीज़े पे बंदा हो, रशिया की PR, जो किसी भी वीज़ा पे वो बंदे को PR मिलेगी यहाँ पे। बस तो पेमेंट जब आपके हाथ में PR आ जाए तब आपने देनी है। तो इस रोहन का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बहुत अच्छा लड़का है ये, पंजाब से है, पंजाबी। की भाई सॉरी, फाइन है इनके ऊपर भाई, जो भी देख रहे हैं फाइन डालो इनके ऊपर, रॉन्ग इंट्रोडक्शन के लिए। Cheers guys. Okay. Bye bye. Love you guys. Hello everyone. Good morning. Welcome to my channel Explore Dreams with UV. और आज हमारा दिन है जाने का, यहाँ से अपने वतन की वापसी आ रहे हैं हम दोनों आ रहे हैं वापस।